नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड सरकार सोचती है कि जनता का पैसा लूटने के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं, संगरूर फिरोजपुर के SSP और DC को नोटिस। अमेरिका में ट्रंप ने किया अपने वित्त मंत्री का ऐलान, स्कॉट बेसेंट को मिली जिम्मेदारी। बटोगे तो कटोगे, बीजेपी का सबसे नेगेटिव नारा अखिलेश यादव ने कहा। जम्मू कश्मीर रियासी में गिरी घर की दीवार, 13 लोग घायल। यूपी के कासगंज में मिट्टी का टीला ढहने से 4 महिलाओं की मौत। वक्फ बिल मामले में JPC ने बिहार दौरे को किया स्थगित, चुनाव के चलते बिहार दौरे पर लगाई रोक। मोदी बोले, कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती, ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ED की छापेमारी, 17 जगहों पर सर्चिंग जारी, बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है पूरा मामला। हिमाचल के शहीद नायब सूबेदार को अंतिम विदाई, 9 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, पत्नी ने सैल्यूट करके अलविदा, JNK में शहीद हुए थे। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कल, वायनाड में प्रियंका के खिलाफ भाजपा की नव्या। एयर इंडिया फ्लाइट स्टाफ ने महिला का हाथ मरोड़ा, लखनऊ एयरपोर्ट पर की बदतमीजी, पैसेंजर बोले क्रिमिनल जैसा किया व्यवहार। झरिया में कमल का बटन दबाएं, करंट इटली में लगे, अमित शाह बोले राहुल बाबा खटाखट खटाखट घोषणाएं करते हैं जो पूरी नहीं होती। लॉरेंस गैंग के गोल्डी अनमोल, रोहित को मारने वालों को मिलेंगे करोड़ों, क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष बोले 21 लाख से लेकर 1 करोड़ तक दूंगा। लखनऊ नगर निगम Zone 7 ऑफिस पहुंची मेयर, अधिकारियों से हाउस टैक्स को लेकर किया सवाल, जवाब नहीं मिला तो फाइलें साथ ले गई। 2030 तक भारत रूस के बीच होगा $100 अरब का व्यापार, अंतर सरकारी आयोग की बैठक में बोले जयशंकर। 3 दिन की होगी देशनोक ओरण परिक्रमा, 13 से 15 नवंबर तक होगा आयोजन, 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। चुनाव आयोग ने उद्धव का बैग चेक किया, पूर्व CM ने खुद वीडियो बनाया, बोले मोदी का बैग भी चेक करना। शाहरुख खान धमकी केस, आरोपी फैजल को कस्टडी में लेने रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस टीम। एक्ट्रेस और बीजेपी नेता रूपाली गांगुली ने सौतेली बेटी को भेजा मानहानि नोटिस। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।